सो हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई जो टर्म टू का एग्जामिनेशन है 2022 का, तो वो यहाँ पे हो चुका है बेसिकली केमिस्ट्री का, ठीक है। 7 मई को जो चीज़ यहाँ पे था, तो उसी का यहाँ पे हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि इससे जो है जो भी लोग यहाँ पे एग्जामिनेशन दिए हैं उन लोगों को भी यहाँ पे उसका रीचेक हो जाएगा, है ना, कि किस तरीके से हम लोगों ने लिखा है, उसी के बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत सॉल्यूशन भी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग देख सकते हो। और जो लोग नए हैं, जो यहाँ पे अभी जो है नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन सभी को आपको जो है करना चाहिए, है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके भी एग्जामिनेशन में आने के जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सीबीएसई 2022 जो कि यहाँ पे बस कुछ ही दिन पहले हुआ है, बेसिकली पिछले दिन ही हुआ है, तो इसी को यहाँ पे हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे जो है शॉर्ट जो है यहाँ पे वीडियोज लाने की कोशिश करूँगा, जिसमें सिंगल क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। तो आप लोगों को अच्छे लगे तो आप लोग इस चीज़ को शेयर कर सकते हो अपने जूनियर्स के साथ, या फिर जिसके साथ भी आप लोग शेयर करना चाहते हो अपने दोस्त के साथ, तो सभी के साथ शेयर भी कर सकते हो जो भी नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन दे रहे हैं उन लोगों के साथ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। और बेसिकली यही सारे क्वेश्चन जो हैं रिपीट होते रहते हैं, ठीक है, तो इन सभी को आपको जो है देखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पर क्या है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को एक सब्सक्राइब करके और छोटा सा कमेंट आप लोग कर सकते हो अगर अच्छा लगे इस वीडियो कैसा है इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इस चीज़ को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से, आज का क्वेश्चन बेसिकली जो मैंने यहाँ पे इस वीडियो में लिया है, ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इसको मैंने पार्ट बाय पार्ट इसलिए कर दिया है ताकि यहाँ से जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज के रूप में भी ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है, कुछ रिएक्शन यहाँ पे जो दिए गए हैं, दो रिएक्शन दिए गए हैं, उसको आप लोग को जो है एक्सप्लेन करना है। तो ये बेसिकली आप चैप्टर्स में पढ़ते ही हो, तो उन्हीं सभी को यहाँ पे बेसिकली इसको नेम रिएक्शन भी कहा जाता है अगर अच्छे तरीके से बोले तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है उसमें बोला गया उल्फ किस्नर रिडक्शन, ठीक है, आपने इस चीज़ को पढ़ा होगा। कैनिजारो रिएक्शन, यहाँ पे बेसिकली कैनिजारो का यहाँ पे एक आर कम होगा और इसमें जेड जो है ऐड होगा, मतलब इसका जो प्रॉपर तरीके से अगर हम लोग बोलें स्पेलिंग तो कैनिजारो, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, बेसिकली यहाँ पे डबल जेड हो जाएगा और ए आर ओ, ठीक है, तो ये स्पेलिंग होता है कैनिजारो को, तो आप लोग जो है इस चीज़ को याद रख सकते हो। तो कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है, दो यहाँ पे है, उल्फ किस्नर रिडक्शन है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए, रिडक्शन और रिएक्शन है यहाँ पे कैनिजारो। तो ये 2022, इसलिए मैंने यहाँ पे किनारे भी लिख दिया ताकि जो लोग जो नए हैं वो लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, बेसिकली ये वीडियो कभी भी देखा जा सकता है, तो उनके लिए यहाँ पे जो है ये चीज़ मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो चलिए अब इसके आंसर की तरफ यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं, आंसर क्या होगा इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग ले चुके हैं उल्फ किस्नर रिडक्शन, तो बेसिकली उल्फ किस्नर रिडक्शन हमारा होता क्या है, तो इसमें मैंने यहाँ पे लैंग्वेज भी लिख दिया, इसी तरीके से आपको जो है एग्जामिनेशन में भी लिखना होता है। तो यहाँ पे बेसिकली है कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है, इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स भी बोलते हैं, एक अलग नाम को आप लोग याद रख सकते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है, थोड़ा इसको मैनेज आप लोग कीजिए, यहाँ लिखा गया कुछ इस तरीके से। तो इसको कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं, बेसिकली मतलब वही है, एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, ठीक है, इसको हम लोग आगे भी रिएक्शन देखेंगे तो वहाँ पे सीखेंगे, टू फॉर्म हाइड्रोजोन, ठीक है। जब हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन्स को हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं या फिर रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो यह क्या बनाता है, हाइड्रोजोन बना देता है। सिर्फ यहाँ पे नाम का डिफरेंस है, जीन और जोन यहाँ पे देख सकते हैं, हाइड्रोजन से हाइड्रोजोन बना देता है। कथा विच ऑन हीटिंग, किसको, जब हाइड्रोजोन को, जो हाइड्रोजन वहाँ पे बना है उसको जब हम लोग हीट करते हैं विच सोडियम और पोटासियम हाइड्रोक्साइड, किसके साथ, NaOH या फिर KOH के साथ, किस में, इन हाई बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे हाई होना चाहिए सॉल्वेंट का, इन हाई बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट, ठीक है, जिस जैसे कि यहाँ पे बात किया जाए इथिलीन ग्लाइकोल, यही इसका जो यहाँ पे सॉल्वेंट हुआ इथिलीन ग्लाइकोल टू फॉर्म अल्केन, तब यहाँ पे क्या बनाता है,
अल्केन बनाता है। सेंटेंस को अच्छे तरीके से समझिए। जब एल्डिहाइड और कीटोन बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तब हाइड्रोजोन बनाता है, फिर उसको फर्दर यहाँ पे जो है सोडियम और पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हैं हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट जैसे कि इथिलीन ग्लाइकोल के प्रेजेंस में या फिर के साथ में, तो यहाँ पे जो है अल्केन बनाता है और यही रिएक्शन हमारा जो है वुल्फ किसनर रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, अच्छे तरीके से चीज़ समझ गए। अब इसको आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कुछ इस तरीके से। आपका ये जो है इसको थोड़ा और आगे ले चलते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है बेसिकली, यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अगर ये आपका जो है सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे इधर आर लगा सकते हैं, अगर इधर एच लगाते हैं तो ये हमारा क्या होता है एल्डिहाइड होता है। ये जी समझ में आ रहा है। वहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे इसमें अगर इस साइड अगर हम लोग आर लगा देते हैं तो ये हमारा हो जाता है कीटोन, जिसके कारण ही यहाँ पे जो है हम लोगों ने जो है इसमें कुछ भी ग्रुप ऐड नहीं किया। बेसिकली वहाँ पे आर एक बार आर सी एच हो जाएगा बेसिकली इस तरीके से। यहीं पे दिखा देते हैं, एक बार अगर यहाँ पे आर रहा तो एक बार एच रहा, ठीक है, जिसके कारण ये हमारा कैसा हो गया एल्डिहाइड हो गया। अब वहीं पे इस आर इस एच के जगह पे यहाँ पे आर लगा दे तो ये कीटोन हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ बोला गया है। तो अभी हम लोग इन सभी को ध्यान नहीं देते हैं अभी सिंपल सा, क्योंकि यहाँ पे दोनों हो सकता है कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन। तो उसी चीज़ को हम लोगों ने सी ओ यहाँ से कुछ इस तरीके से इसका वैलेंसी कंप्लीट करके दिखाया है। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, देखिए यही चीज़ होता है हाइड्रोजन बेसिकली NH2। ठीक है, इसको हम लोग और भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं N2H4। जहाँ भी आपको N2H4 दिख जाए, NH2NH2 दिख जाए, इस तरीके का फॉर्म दिखे, सो सभी आपका जो है क्या है हाइड्रोजन है। इस चीज़ को आप लोग मानते हो देखते हो अच्छे तरीके से। तो हाइड्रोजन को यहाँ पे जो एक्सपेंड करके कुछ इस तरीके से हम लोगों ने लिखा है। इधर भी H2 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इधर हम लोगों ने नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे इसके हाइड्रोजन से हमें मतलब है, क्योंकि यहाँ से जो है इसका हाइड्रोजन और कुछ इस तरीके से ये जो हमारा है। ठीक है, बेसिकली थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है इसमें, आपका यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से यहाँ से निकलेगा। ठीक है, वाटर निकलेगा, यहाँ से तो पूरा निकलेगा नहीं। ठीक है, तो थोड़ा ये चीज़ यहाँ से आप लोग याद रखिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ से हमारा वाटर जो है कुछ इस तरीके से बाहर निकल जा रहा है। फिर जो है इस चीज़ को इन सभी के साथ कनेक्ट कर देना है, तो यहाँ पे क्या हो गया हाइड्रोजोन, इसी का नाम आपका जो है हाइड्रोजोन है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, कार्बोनिल कंपाउंड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किए तब यहाँ पे हाइड्रोजोन बनाया और बाहर क्या निकला H2O। किस प्रकार से निकला है, किस तरीके से निकला है, इस चीज़ को आप लोग देख सकते हो। यहाँ से हाइड्रोजन का 2H और यहाँ पे कार्बोनिल का ओ कुछ इस तरीके से मिक्स होकर यहाँ पे H2O निकल गया है और कुछ इस तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़, अब हमें बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। फिर ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, ये हाइड्रोजन आगे फर्दर यहाँ पे क्या करता है, जो आपका सॉल्वेंट यहाँ पे है, किस टाइप का सॉल्वेंट था, यहाँ पे देखिए हाई बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट था। ठीक है, ये जो इथिलीन ग्लाइकोल है एक हाई बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का काम करता है। तो ये तो हमारा यहाँ पे हाइड्रोजोन है, इसको हम लोगों ने KOH के साथ इथिलीन ग्लाइकोल यहाँ पे इसके साथ रिएक्ट कराए। ये चीज़ तो आपको समझ में आ रहा है, लैंग्वेज से हम लोगों ने वहाँ पे देख लिया था, यहाँ पे सिर्फ उसका रिएक्शन देख रहे। तो यहाँ पे क्या करता है अल्केन बना देता है, ये बेसिकली अल्केन ही है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसमें हम लोग देख सकते हैं अल्केन यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। देखिए यहाँ पे सी इधर से और यहाँ से देखिए 2H2 इधर से, फिर इधर आपका कुछ भी ग्रुप आपका लग जाएगा तो यहाँ पे एक अल्केन के रूप में हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये चीज़ है, और यहाँ पे N2 गैस आपका जो है लिबरेट कर जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ आपका जो था वो उल्फ किसनर रिडक्शन था, देख लीजिए अच्छे तरीके से। सिर्फ ये चीज़ अगर आप याद रख लेते हो, ठीक है, लैंग्वेज तो खैर आपने अपने से भी बना सकते हो, लेकिन इस चीज़ को अगर आप याद रखते हो, ये रिएक्शन का कंप्लीट प्रोसेस, मतलब जो भी यहाँ पे प्रोसीड्योर है इसका, या फिर जो भी इसका प्रोसेस है, इसको आप लोग याद रख सकते हो, है ना, तो आप आसानी से यहाँ पे कर लोगे। कार्बोनिल कंपाउंड को हाइड्रोजन के साथ, तो सबसे पहले हाइड्रोजन बनाएगा, हाइड्रोजन को फिर यहाँ पे हाई बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के साथ यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, तब वहाँ पे एल्केन का फॉर्मेशन करेगा और N2 गैस वहाँ पे बोल सकते हैं निकल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो ओवरऑल रिएक्शन आपका हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा
ओकेशनल रिडक्शन। तो इससे आपका जो है क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि मान लीजिए एक चीज़ मानते हैं, अगर हम लोग एल्डिहाइड के रूप में बनाते हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने CH3 लगा दिया और यहाँ पे मान लीजिए हाइड्रोजन लगा दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड हो जाएगा, CH3CHO, है ना। तो एसिटल्डिहाइड यहाँ पे हो गया, तो क्या कर रहा है, इस तरीके से वाटर यहाँ पे निकाल रहा है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से CH बना रहा है, यहाँ पर CH3 आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इस चीज़ को हम लोगों ने देखा, फिर अब यहाँ पे क्या करते हैं, यही CH3 यहाँ पे लगाते हैं, H यहाँ पे लगाते हैं, कुछ इस तरीके का कंपाउंड है, अब यहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा है, बस सब जगह हम लोगों ने जो भी ग्रुप माना है उसको हम लोग लगा देते हैं CH3H। अब आप लोग देख लीजिए यहाँ पे इसका क्या नाम हो जाएगा, CH3CH3 हो जाएगा। कैसे, देखिए एक CH3 यहाँ पे इस तरीके से, इसका तो कार्बन का भी वैलेंसी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, एक H यहाँ पे जो ओवरऑल इसमें जाएगा CH3CH3। तो इसको हम लोग और भी तरीके से लिख सकते हैं CH3CH3, और यहाँ पे दो कार्बन को इथ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है एल्डिहाइड से मिलके बना। अब यहीं पे अगर हम लोग कीटोन की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब हम लोगों को, अब यहाँ पे एक जगह पे अगर हम लोग CH3 लगा दें और यहाँ भी हम लोग जो है CH3 लगा दें, ठीक है, CH3CO CH3, ठीक है, तो ये कीटोन के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, CH3, यहाँ भी CH3, सब जगह वही कर देना है, वहीं पे लगा दिए हम लोग, एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों को बता दें, बेसिकली नेम रिएक्शन आए तो आपको जो यहाँ पे जनरल लिखा गया उसी को आप लोगों को लिख देना है, CH3 यहाँ पे CH3। अब देखो यहाँ पे CH3CH2CH3, अब क्या है, तीन कार्बन का चेन बन जा रहा है, मतलब इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, या फिर इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, एक कार्बन दो कार्बन तीन, बेसिकली इस तरीके से, एक कार्बन यहाँ दो कार्बन तीन कार्बन, तो तीन कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने कीटोन भी लिया, एल्डिहाइड भी लिया, दोनों तरीके से यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे एल्केन का फॉर्मेशन कर दे रहा है, ठीक है। आप किसी भी तरीके से कुछ भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बेंजीन वगैरह भी लेके देख सकते हो, है ना। अगर यहाँ पे बेंजीन ही लेके देखें, मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने pH लिख दिया, ठीक है, जब भी आप कहीं पे pH देखने को मिले मतलब वहाँ पे बेंजीन रिंग है, और यहाँ पे H अगर कुछ इस तरीके से, मतलब अगर इसका आपको जो है एक्सपेंड करके दिखाएं, तो कार्बन यहाँ पे कुछ इस तरीके से, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से, इसको अलग कलर से हम लोग देख लेते हैं तो थोड़ा और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे अगर जा रहे हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखिए, इस तरीके से हम लोगों ने बेंजीन लगा दिया। अगर आपको सही तरीके से दिखाया जाए तो यह एल्डिहाइड का जो एक कंपाउंड यहाँ पे है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, इसी को जो है और भी अच्छे तरीके से आपको दिखाएं, कुछ इस तरीके से, मान लीजिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे है, और यहाँ पे सी, यहाँ पे एच, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इससे तो आप लोग आसानी से समझ गए हो कि ये बेंजल्डिहाइड है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो कुछ इस तरीके से उसी का कंपाउंड बनेगा, देख लीजिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से, इसमें मान लो pH यहाँ लगा दिए, तो हर जगह यहाँ पे pH H, तो जिसके कारण यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, pH और H, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम लोग देखते हैं, H अगर लगा देते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, CH3 आता है, जो कि अल्किन का रूप में आता है, और कुछ इस तरीके से, मतलब हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से देखने को ये चीज़ मिल सकता है, मतलब मिथाइल बेंजीन के रूप में देखने को मिलेगा, क्योंकि और बेसिकली अगर देखें तो एक तरीके से एल्केन का ही यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो आपको किसी भी तरीके से जो है प्रोडक्ट निकालना, अगर यहाँ से दे, अगर आपको जो हाइड्राजीन और यहाँ पे अगर ये चीज़ आपको देखने को मिले, KOH, इथिलीन ग्लाइकोल, अगर ये तीन आपको रिएजेंट देखने को मिले, तब आप समझ जाइए कि उल्फ-किस्नर रिडक्शन हो रहा है। एक तो मैंने आइडिया आप लोगों को बस बता दिया, अगर आप एग्जामिनेशन में आपका नेम रिएक्शन में आता तो यही चीज़ आ जाता है, ठीक है। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन को जब हम लोग हाइड्राजिन के साथ करते हैं, तो सबसे पहले हाइड्राजोन बनाएगा, हाइड्राजोन को जब यहाँ पे इस रिएजेंट के साथ करेंगे तो एल्केन बनेगा, बस ज़्यादा कुछ यहाँ पे बात नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, जनरल भी आप लोगों को दिखा दिया किस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग जो है इसके मतलब फ्रेम कर सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए अब अगले यहाँ पे नेम रिएक्शन की तरफ जो पूछा गया वो है कैनिचारो रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो है इसका नाम जो है अच्छे तरीके से सही करके रख दिया है, ठीक है, कैनिचारो रिएक्शन। तो कैनिचारो रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, कहता है एल्डिहाइड्स डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन एटम, ठीक है। कैसे, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं हमारा स्टेटमेंट क्या है, कहता है कि एल्डिहाइड के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम
नहीं होता है, विच अंडरगोज सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जब कोई भी चीज़ सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो उसको हम लोग कैसा बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनिएशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ बोला कि एल्डिहाइड जिसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है वह ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जाता है, रिएक्शन में, ऑन ट्रीटमेंट विद कंसनट्रेटेड अल्कली। कोई भी अल्कली होगा जो कैसा होगा, कंसनट्रेटेड होगा। इन दिस रिएक्शन, ये चीज़ तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि कोई भी एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है वह क्या होता है, जब कंसनट्रेटेड अल्कली के साथ ट्रीट करते हैं तो अपना सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर लेता है, जिसको हम लोग डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब वहीं पे आगे इस चीज़ को लिखें कि इन दिस रिएक्शन वन मोलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड, इसमें आपको याद रखना है कि जो भी आप यहाँ पे एल्डिहाइड लीजिएगा उसका टू मोलिक्यूल हमेशा जो है कैनजारो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जिसमें से एक मोलिक्यूल जो है एल्डिहाइड का वो रिड्यूस हो जाता है अल्कोहल में। ठीक है, आगे हम लोग अभी रिएक्शन देखेंगे तो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। फिर कहता है कि एंड अनदर इज, यहाँ पे देख सकते हो अनदर जो यहाँ पे मोलिक्यूल है, ऑक्सीडाइज टू कार्बोजिलिक एसिड साल्ट। कार्बोजिलिक एसिड नहीं है, कार्बोजिलिक एसिड का साल्ट है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए। दिस रिएक्शन इज नोन एज कैनिजारो रिएक्शन, और इसी रिएक्शन को हम लोग कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। क्या चीज़ है फिर से एक बार देख लीजिए, कहता है कि जब एल्डिहाइड जिसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा वह चीज़, उसको जब हम लोग कंसनट्रेटेड अल्कली के साथ ट्रीट करेंगे, रिएक्ट करेंगे, ठीक है, उसके साथ रिएक्शन बेसिकली करेंगे, तो वह अपना खुद का जो एल्डिहाइड होगा वह खुद का जो दो मोलिक्यूल बेसिकली वहाँ पे एल्डिहाइड हम लोग लेंगे तो वह क्या करेगा, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन करेगा। ठीक है, जिसमें से एक जो मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड का वो रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में, जबकि दूसरा जो है वो ऑक्सीडाइज होगा। याद रखिए, एक रिड्यूस होगा तो दूसरा ऑक्सीडाइज होगा, तभी तो यहाँ पे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा ना। तो वह क्या होगा, वह कार्बोजिलिक एसिड साल्ट में होगा, कार्बोजिलिक एसिड में नहीं होगा बल्कि उसके साल्ट में होगा। तो इसी रिएक्शन को जो हम लोग कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, बस यही इसका स्टेटमेंट था। अब आगे यहाँ पे हम लोग तो वही चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, रिएक्शन कुछ इस तरीके से, वही बोला गया कि एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। तो यहाँ पे अगर इसका हम लोगों ने देखा अभी, तो यहाँ पे इस तरीके से अगर हम इस चीज़ को लिखें, देख सकते हैं, इसको सही तरीके से पहले लिख देते हैं। अगर एच सी एच ओ को लिखें तो ये तो हमारा कार्बन जीरो पोजिशन पर है, तो जीरो पोजिशन, तो यहाँ पे देख सकते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन कहने का मतलब है कि जो कार्बन होगा अल्फ़ा कार्बन उस पर जो हाइड्रोजन देखने को मिलेगा वही हमारा हो जाएगा क्या चीज़, अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे तो अल्फ़ा कार्बन देखने को मिल ही नहीं रहा, तो हाइड्रोजन तो देखने को कहाँ से मिलेगा अल्फ़ा। जैसे कि बात की जाए हमारा जीरो अल्फ़ा कब होता है, मान लीजिए कि तीन कार्बन का चेन है, तो फर्स्ट जो कार्बन उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीरो पोजिशन कहते हैं, सेकेंड कार्बन को अल्फ़ा कहते हैं, फिर इसी तरीके से बीटा आता है, फिर अगर आगे कार्बन है तो उसको हम लोग गामा बोलते हैं, फिर आगे कार्बन तो उसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। तो आप अगर इतना भी याद रखते हो तो आप इसका आपका जो है काम 12th तक में हो जाएगा। तो यहाँ पे HCHO की अगर बात की जाए तो इसमें तो यहाँ पे भाई साहब अगर देखें तो इसमें आपका जो है अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कहाँ से होता है। यही फॉर्म जो है एल्डिहाइड का वह क्या करता है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से जब वो इसका जो है मिक्सिंग किए, ठीक है, दो कंपाउंड यहाँ पे लिए, सेम यहाँ पे है फॉर्मल्डिहाइड और मिथेनल भी इसको हम लोग बोलते हैं, उसको कहाँ पे किए, कॉन्क NaOH के साथ किए, कंसनट्रेटेड NaOH जो कि एक अल्कली है, ठीक है, तो उसके साथ जब रिएक्शन किए तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे दो कंपाउंड आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि इथेनल होगा, इथेनॉल होगा और आपका सोडियम फॉर्मेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो इसी रिएक्शन को हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वही चीज़ है, यहाँ लिख सकते हैं कि व्हेन एल्डिहाइड विच हैव, ठीक है, विच हैव नॉट एन अल्फा हाइड्रोजन, इस तरीके से भी लिख सकते हो, और ये चीज़ भी आपका सही है कि एल्डिहाइड जिसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा वह क्या करता है, जब उसको कंसनट्रेटेड अल्कली जो कि वहाँ पे NaOH यहाँ पे था तो उसके साथ जब रिएक्शन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका जो है वह क्या करेगा, यहाँ पे देख लिए थे, सेल्फ करेगा, क्या चीज़ करेगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिसको हम लोग डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तब यह जो है जिसमें से क्या होगा, एक मॉलिक्यूल जो होगा एल्डिहाइड का वो रिड्यूस होगा आपका अल्कोहल में, और दूसरा जो कार्बोजिलिक एसिड का साल्ट में। देख लीजिए यहाँ पे कार्बोजिलिक एसिड का साल्ट ही है, आपको देख सकते हैं, ठीक है, COONa, अगर यहाँ पे अगर Na हटा देते तो यहाँ पे अगर H लगा देते तो देख सकते हैं एक तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मिक एसिड यहाँ पे बन रहा है। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, जैसे कि इस तरीके से आप लोग देखे होंगे HCOOH, इसको अगर यहाँ पे H लगा देंगे
तो कुछ इस तरीके से इसको लिखेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। और यहाँ पे सोडियम लगा दिए, तो जब भी सोडियम किसी एसिड के साथ वहाँ पे लग जाता तो अपना उसका साल्ट बना लेता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे ये चीज़ बोला गया था कि कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है, यही चीज़ था। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे तरीके से करके आए होंगे, और जो लोग यहाँ पे न्यू जो हैं, जो यहाँ पे अगले साल देने वाले हैं या फिर इस साल देने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो आप लोग इस चीज़ को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ताकि और भी मैं वीडियो इसी तरीका का अपलोड करूँ, और मोटिवेशन भी मिलेगा मुझे ताकि आप लोगों के लिए करता रहूँ अपलोड। और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और हमें सपोर्ट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।